इन स्टूडेंट्स, मैं चाणक्य डिफेंस ग्रुप की तरफ से आज यहाँ पर एनडीए सितंबर 2023 के एग्जाम अभी ओवर हुआ है मैथ्स का, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट है जिन्होंने अभी मैथ्स का पेपर किया है, तो इनसे इनका रिव्यू लेते हैं कि मैथ्स का पेपर कैसा था सितंबर 23 का। तो गुड आफ्टरनून, तो आपने अभी मैथ्स का पेपर दिया है राइट, एनडीए का, तो कैसा था मैथ्स का पेपर? डिफिकल्ट था, इजी था, क्या लेवल था क्वेश्चंस का? मीडियम पार्ट से फंक्शंस के क्वेश्चन ज्यादा थे और उसके लिमिट में आ गए क्वेश्चन ज्यादा थे और बाकी नॉर्मल पेपर था। तो पेपर अटेम्प्टेबल था, कोई ज्यादा मुश्किल? तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आया मैथ्स में? 65 क्वेश्चन। 65 तो काफी क्वेश्चन है जो जल्दी से अटेम्प्ट हो जाएंगे, है ना। चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, एक और स्टूडेंट है हमारे पास अमन, जो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से यहाँ पेपर देने आया चंडीगढ़, तो इनसे पूछते हैं इनका मैथ्स का पेपर कैसा रहा और क्या लेवल था क्वेश्चंस का। तो आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं? मैंने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से मतलब पार्ट में थे? ट्रिग्नोमेट्री थी, सीक्वेंस थी, फंक्शंस थे, प्रोबेबिलिटी और मैट्रिक्स के ज्यादा थे। तो आपके हिसाब से पेपर इजी था या टफ था या क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे? नहीं, टफ था। टफ था पेपर। तो आपको कितनी मुश्किल हुई पेपर करने में? मुश्किल तो आपको हुई नहीं, 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैंने आपने, ठीक है। फंक्शंस के क्वेश्चन कैसे थे? ठीक थे पर टफ थे। मैम टफ थे, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, थैंक। सो हियर वी आर एट चंडीगढ़, यहाँ पे हमारे पास अमन एंड हिमांशु है, इनका भी इवनिंग शिफ्ट में जीएटी का पेपर हुआ है, तो हमने इनसे इनके एग्जाम के बारे में इनका रिव्यू लेना है। तो कैसा था आपका एग्जाम? एग्जाम बहुत हमारा बहुत अच्छा हुआ, एग्जाम बहुत ही इजी था, एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं था जैसे आजकल कहते हैं बच्चे, बहुत इजी, अगर कोई पढ़ता है तो उसके लिए बहुत इजी एग्ज़ाम है ये। जैसे कि इसमें इंग्लिश आई थी, बहुत अच्छी इंग्लिश आई थी, मतलब अगर कोई कहता है ना भी मैं इंग्लिश नहीं भी बोल सकता तो वो भी इस इंग्लिश को समझ सकता था। और फिजिक्स से कम क्वेश्चन आए हुए थे, केमिस्ट्री भी अच्छी थी, बायो भी अच्छी डाल रखी थी, करंट अफेयर थोड़ा सा मतलब लगा कि हल्का सा ऊपर से गया है, बाकी पेपर बहुत ही मतलब मीडियम सा पेपर था, ना डिफिकल्ट कह नहीं सकते ना ईजी कह सकते। अच्छा, तो लाइक जो वैसे यूजुअली हम कहते हैं कि जैसे फिजिक्स के अराउंड मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो आप कह रहे हो कि इस बार रिलेटिवली फिजिक्स से कम क्वेश्चन बने थे? हाँ, बस कम से कम 3-4 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के बस। अच्छा अच्छा, एंड जो आपका बाकी जैसे जीएस का पेपर था, लाइक उसमें ज्यादा क्वेश्चन किससे आए थे? हिस्ट्री से आए थे, ज्योग्राफी से आए थे, किससे आए थे? नहीं मतलब इक्वल था, हिस्ट्री और जियोग्राफी का तो इक्वल ही था, मतलब ना कोई ज्यादा था, बस एक दो क्वेश्चन होंगे जो ऊपर नीचे होंगे बस। अच्छा, बाकी बिल्कुल बढ़िया था। लाइक ओवरऑल आपका लाइक यू आर सेटिस्फाइड विद योर अटेम्प्ट? यस बिल्कुल। तो चलिए, लाइक वी विल होप बेस्ट फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बोथ ऑफ यू। थैंक यू। ओके बड़ी। सो हियर वी आर एट चंडीगढ़, अभी हमारे पास एनडीए इवनिंग शिफ्ट में जीएटी का पेपर हुआ है, हमारे पास यहाँ पे राघव है, इनसे पूछे कि जीएटी के पेपर के बारे में, लाइक आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जीएटी के? उसमें आपके एंटोनिम्स इन्होंने बताते हैं, व्हाट वाज द लेवल ऑफ फैमिलियरिटी?
अच्छा तो वर्ड्स नहीं थे, कोडिंग ऑफ वर्ड्स नहीं थे। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट साइंस लाइक ज्यादा क्वेश्चन कौन से थे? साइंस के फ्रॉम योर जीएस, जीएस ज्यादा क्वेश्चन किससे आए? ज्यादा क्वेश्चन आए थे। एंड जो करंट अफेयर पिछले 6 महीने से जिन्होंने अभी अभी मैथ्स का पेपर दिया है, ये अर्श है, ये चंडीगढ़ के पास ही रहती है डेराबस्सी में। तो अर्श, आपका मैथ्स का पेपर कैसा दिया? अच्छा लगा। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आपने? 80 समथिंग क्वेश्चन किया। कितने ठीक होने के चांसेस हैं? 70-65। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से एरिया में से रिलेटेड? प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है, कि फंक्शन से भी ज़्यादा है। सीक्वेंस आपका पेपर क्लियर हो।